इसके अलावा जो भी होगा और सबसे मिल के और इसमें नोट कराने से डीडी साहब के सामने हम वसूल करा सकते हैं। पास होता है, पास सब मतलब गुजर जाता है, उसके सम्मान और बढ़ाने के लिए जब भी फोर्स में ऑर्डर निकाला गया लास्ट राइट्स का, उसी का एक पॉइंट है रिगार्डिंग लास्ट राइट्स ऑफ फोर्स सीआरपीएफ वेटरन्स एंड रिटायरेंस। सेकंड पॉइंट है जो यहाँ पर के सभी सदस्य बहुत ही कम उम्र में बस में शामिल होते हैं और हमारी परंपरा की रूप से शुभारंभ से पहले आइए सर श्री सी एसडी के सरकार से भी निवेदन है कि सर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी निवेदन है कि वो इस सभी सभा में शामिल हों। बीच में हमारे जीवन की इसीलिए सबकी शुभकामनाएं करते हैं सर्वे भवन की सुखिन सर्वे संतोषाय सर्वे धनाय धनसेन्दु मां सचिन्दु धनधनु। भगवान सबके जीवन में ऐसी ही संख्या आज के दिन में 2252 हमारे वहां टायर्स है। किसी भी दूसरे फोर्स ने इतने कुर्बानी नहीं देखे हैं, इतने सेक्रीफाइस नहीं दिए हैं इस देश के अखंडता समय से लेके आज तक। प्रत्येक थिएटर जहां इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है या बॉर्डर सिक्योरिटी, जानते हैं कि 1947-48-49 में कश्मीर में, उसके बाद में मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी प्रसन्नता का अनुभूति हो रही है और इस बात का काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा हूँ कि लगभग 11 महीना की मेरे कार्यकाल के समय एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है आप लोगों के बीच में आने का। तो सबसे पहले मैं जोन को, सेक्टर को और ग्रुप सेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस वेटरन्स के एक गेट टुगेदर या रियूनियन आप लोगों ने मेरे यहाँ आने के समय इंतज़ाम किया। तो हमारे सभी पुराने वीर साथियों का हम आज स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग का यहाँ पर आए। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं और मेरे से खुद एडीजी साहब ने बताया है कि एक 1939 में एक बटालियन के साथ में प्रारंभ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस अभी बढ़ के लगभग 3,25,000 का फोर्स बन गया और ये सीआरपीएफ न केवल भारतवर्ष के परंतु पूरे विश्व के सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। हमें इस बात का गर्व है कि हम इस महान फोर्स के एक सदस्य हैं और ये महान फोर्स 1939 से अभी तक इस देश को इतने कुर्बानी, इतने जो रिटायर्ड भूतपूर्व हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी रिटायर होते हैं उनका 2-3 मेन समस्या होता है। पहले ये कि उनके जब वापस रिटायरमेंट के बाद में या वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद में अपने घर आते हैं, अपने पैतृक निवास में आते हैं, तो उनके लिए एक एकोमोडेशन हाउसिंग या आवास की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी ये है कि उनका स्वास्थ्य जो है, उनके हेल्थ
बारे में काफ़ी चिंता रहता है। तीसरा, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आते हैं और वो कभी 20 साल के बाद नौकरी में आते हैं, तो वो री एम्प्लॉयमेंट के उनका बड़ा चिंता रहता है। चौथे, हम ये कहना चाहेंगे ऐसे कर्मचारी जो पूरे नौकरी करके आते हैं और पूरे समय अपने परिवार के साथ में नहीं बिता सकते हैं और उनके बच्चों के पढ़ाई के समय नहीं रहते, तो उनके बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी चिंता रहता है। तो आज का सम्मेलन में काफ़ी सुझाव आए उनके तरफ से, हम लोगों ने भी उनको बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उनका स्वास्थ्य का जो है ठीक रखने के लिए सरकार का क्या इंतज़ाम है और राज्य सरकार का क्या है, और हम और क्या उनको सेवा दे सकते हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरह से काट सकें। फिर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है कि अन्य फैसिलिटीज़ और क्या दे सकते हैं, तो हमने ये भी सोचा है कि हमारे कर्मचारियों के बच्चों को स्किल इम्पार्ट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलना चाहिए CSR के माध्यम से या और दूसरे कोई उपाय से। यही हमारा मुख्य रूप से बात हुई। फिर हम लोगों ने सब मिलके जो 5 करोड़ पौधे लगाने का MHA का जो लक्ष्य है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो हमें लक्ष्य दिए उसके लिए हमने पौधे भी लगाए और फिर एक सामूहिक भोजन किए हैं, बड़ा खाना किए सभी लोगों के साथ में, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा समय बिताए। थैंक यू।